वेलकम टू माय चैनल जागृति आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम लेके आए हैं शिवा स्पेशल बॉटल आर्ट। हमारे पास ये बॉटल है और आप देख सकते हैं ये महादेव जी की एक प्रिंट आउट है, जिसे हमें इस तरह से सीजर से कट कर लेना है और उसके बाद इस प्रिंट आउट को बॉटल पे रख के परमानेंट मार्कर से हमको उनकी पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस तरह से आप गूगल से या फिर स्क्रीन शॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के बॉटल पर प्रिंट बना सकते हैं। इधर हमने एक त्रिशूल और ओम फ्री हैंड बनाया है, आप देख सकते हैं। आप बहुत इजीली इसे फ्री हैंड बना सकते हैं और ना बना सके तो इसी तरह प्रिंट आउट निकाल के आप इसे भी प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैं शिव जी की जो प्रतिमा थी उसको पूरी तरह से फिल कर रही हूँ। पूरा हम ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। बारीक ब्रश का यूज करते हुए इस तरह से पूरी पिक्चर्स को हम ब्लैक कलर से फिल कर लेंगे। जो शंकर जी के सर पे चांद की प्रतिमा है उसको हमने हल्का सा व्हाइट कर दिया है और हल्का सा त्रिशूल पे भी हमने व्हाइट का टच दे दिया है। अब दूसरी साइड जो हमने त्रिशूल और ओम बनाया था उस पे भी हम इस तरह से ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ब्लैक और रेड का यूज करेंगे त्रिशूल और ओम बनाने में। त्रिशूल को हमने ब्लैक कलर से लिया है और ओम को हम लोग रेड कलर से, मैं रेड कलर से कर रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग किसी और कलर का भी यूज कर सकते हैं। मैं रेड और ब्लैक से त्रिशूल और ओम का जो ड्राइंग हमने बनाया था उसको मैं कलर कर रही हूँ। फिर से मैं त्रिशूल पे हल्का सा व्हाइट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप चाहे तो फुली ब्लैक भी रख सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से हल्का सा व्हाइट का टच भी दे सकते हैं। इस तरह से आप बॉटल पे आराम से ड्राइंग बना के और बॉटल को डेकोरेटिव बना सकते हैं। ये हमारे पास 3D कोन लाइनर है जो इजली किसी भी स्टेशनरी के शॉप पे मिल जाती है। इससे हम बॉटल के साइड में एक आउटलाइन बना रहे हैं, जिससे हम इस पे अगर कलर फिल करें तो वो दूसरी साइड ना लगे, क्योंकि इस बॉटल में मैं ग्लास कलर का यूज करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं शिव जी के सर के पीछे हमने एक सर्कल लिया था, उस सर्कल में मैंने येलो कलर लिया है और उसके बाद कई सारे कलर से इस तरह से मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। मिक्स मैच करते हुए अलग अलग कलर को मैं कलर कर रही हूँ, रेड, वाइट, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ऑरेंज, सारे कलर से मैं इस तरह से कर रही हूँ। साइड में हमने 3D कोन लाइनर से लाइन बना लिया है, इसलिए कलर बाहर जाने के चांसेस नहीं है। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी कलर स्प्रेड कर रही हूँ। मैं इस तरह से सिंपली कलर स्प्रेड कर रही हूँ, जिसे आप लोग बहुत इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। ग्लास कलर जो होता है वो बहुत थोड़ा पतला होता है और उसे इस तरह से आप इजीली फैला सकते हैं। जब आप इसमें लाइट लगाएंगे तो अलग अलग जगह जो कलर हैं वो कलर की लाइट दिखेंगी, वो बहुत खूबसूरत लगेगी और ये बहुत इजी भी है, बच्चे और बिगनर दोनों भी आराम से बना सकते हैं। हमने चारों तरफ बॉटल के चारों तरफ ये लाइन बना ली थी 3D कोन लाइनर से और मैं चारों तरफ इस तरह से खाली कलर स्प्रेड कर रही हूँ। पिक्चर हमने दो साइड बनाया है, एक साइड त्रिशूल और ओम का और दूसरी साइड महादेव जी का। बाकी दो साइड हमने प्लेन रखा है, उस पे खाली हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। जिस तरह से हमने पिक्चर के साइड में कलर को मिक्स करते हुए बैकग्राउंड क्रिएट किया है, उसी तरह बाकी दो साइड भी हम प्लेन बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, खाली अलग अलग कलर से। आप सोच भी नहीं सकते बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। उसके बाद ऊपर की जो साइड है उस पे मैं व्हाइट कलर से, व्हाइट एक्रेलिक कलर से ही इस तरह के ब्रश के स्ट्रोक से छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत इजी है, पतले ब्रश से हमको खाली इस तरह से फ्लावर बना लेने हैं। हमने ये डिजाइन इसलिए ड्रॉ किया है कि इसे बच्चे और बिगनर आराम से बना सके। शिव जी की पिक्चर्स बनाना थोड़ा सबके लिए इजी नहीं है, इसलिए मैंने उसको कैसे हम ड्रॉ कर सकते वो भी बताया। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बॉटल लग रहा है। इस तरह से थोड़ी सी मेहनत से आप इस बॉटल को डेकोरेटिव बना के बहुत आसानी से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसे लाइट के साथ भी और लाइट के बिना दोनों भी तरह से अपने घर में सजा सकते हैं।
अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।